कोरोना वायरस का खतरा अभी टला भी नहीं है और इस बीच एक और बीमारी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। भारत में बर्ड फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 की वजह से होता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये वायरस संक्रमित पक्षियों और इंसानों दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। बर्ड फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन की तरह है जो न सिर्फ पक्षियों बल्कि दूसरे अन्य जानवरों और इंसानों के लिए भी उतना ही खतरनाक है। क्या होता है बर्ड फ्लू? बर्ड फ्लू कई तरह के होते हैं, लेकिन H5N1 पहला ऐसा एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है जो इंसानों को संक्रमित करता है। इसका पहला मामला 1997 में हांगकांग में आया था। उस समय बर्ड फ्लू के प्रकोप को पोल्ट्री फार्म में संक्रमित मुर्गियों से जोड़ा गया था। H5N1 प्राकृतिक रूप से पक्षियों में होता है, लेकिन ये पालतू मुर्गियों में आसानी से फैल जाता है। ये बीमारी संक्रमित पक्षियों के मल, नाक के स्रोत, मुंह के लार या आंखों से निकलने वाले पानी के संपर्क में आने से होता है। संक्रमित मुर्गियों को 165 फ़ारेनहाइट पर पकाए गए मांस या अंडे के सेवन से ही बर्ड फ्लू नहीं फैलता है, लेकिन संक्रमित मुर्गी के अंडों को कच्चा या उबालकर नहीं खाना चाहिए। इस बर्ड फ्लू का क्या है इलाज? अलग अलग तरह के बर्ड फ्लू का अलग अलग तरीके से इलाज किया जाता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में एंटीवायरल दवाओं से इसका इलाज किया जाता है। लक्षण दिखने के 48 घंटों के अंदर इसकी दवाएं लेनी जरूरी होती है। बर्ड फ्लू से संक्रमित व्यक्तियों के अलावा उसके संपर्क में आए घर के अन्य सदस्यों को भी ये दवाएं ले लेनी चाहिए, भले ही उन लोगों में बीमारी के लक्षण ना हो। आखिर कैसे करें बचाव? इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए डॉक्टर आपको फ्लू की वैक्सीन लगाने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा आप खुले बाजार में जाने, संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने और अधपका चिकन खाने से बचें। हाइजीन बनाए रखें और समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें अंधभक्त के साथ।